आपको किचन का हाल दिखाएं। इसको तोड़ दिए हैं, हम लोग ढूंढ के बड़ा सा लेते थे, लेकिन हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज दोपहर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा बहुत सुबह का बनाए हैं, क्लीनिंग किए हैं पूरे कमरे का, क्लीनिंग क्या बेडशीट चेंज किए थे दोनों, तो थोड़ा बहुत वीडियो बनाए हैं, वो इसके बाद आपके साथ शेयर कर देंगे। और अभी देव को मतलब खाना पीना खिला के लेटाए हैं, सोए नहीं है वो, ठंडी में उनको सुलाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और इधर मशीन लगाए हुए हैं, चादर भी सब चेंज किए हैं, और बच्चों का स्वेटर है, कपड़ा बहुत सारा हो जाता है ठंडी में, तो खैर पूछिए ही नहीं। तो पहले अभी दिखाते हैं दोनों कमरे का, बेडशीट चेंज कर दिए हैं, और जब चेंज करूँ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और बस कुछ देर का अच्छा लगता है। तो पहले देख लीजिए, आज वुलन वाला ये बेडशीट निकाले, ठंडी इतनी निकल गई तो आलस हो रहा था, क्योंकि ये बेडशीट ना थोड़ा सा छोटा है, मतलब पूरा नहीं हो पाता है, तो इसलिए आलस कर रहे थे कि छोड़िए जाने दीजिए नहीं लगाएंगे। लेकिन ये कई दिनों से बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, लगा दो लगा दो, तो हम आज चेंज किए बेडशीट, हम कह लो आज लगा देते हैं। अभी तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा अच्छे से बिछ गया है। जब बच्चे बैठेंगे तो दोनों तरफ से बेडशीट को मतलब बीच में आ जाता है, तो इधर का भी बेडशीट उलेन वाला बीच में बिछा दिए और ये निकाल दिए हैं। तो मच्छरदानी अभी हटा दिए हैं, वहाँ कॉर्नर में रख दिए हैं। तो देव का है कि मतलब जब से आ गया है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे मिस्टर तो अभी एक भी नहीं खाए हैं, उनको मतलब समय नहीं मिला। सुबह तो इतना जल्दी जल्दी रहता है कि जल्दी जल्दी में चले जाते हैं, तो नाश्ता ही कैसे जैसे तैसे करते हैं, और शाम वाला तो 8 बजे के बाद आते हैं, तो फिर कहाँ खाए, चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद फिर खाना ही हो जाता है सीधे। तो वो तो एक भी दिन ही खाया, मैं एक दिन चूरा वाला ढूंढा खाई हूँ, और देव का रोज़ का है, स्कूल से आने के बाद एक ढूंढा ज़रूर खाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी बना रहे हैं मैगी, 3 पैकेट मैगी बनाएंगे। तो आज दोपहर में बन रहा है मैगी, क्यों बना रहे दोपहर में, वीडियो में बने रहिए, आगे आगे आपको देखने को मिलेगा। मैगी बन के रेडी है, ऊपर से धनिया पत्ता, आज हो रही है हम औरतों की पार्टी, तो ये है, और देसी पार्टी है गांव वाली चीज़ों से, तो ढूंढा और ये जो लड्डू बनाए थे वो इसको तोड़ दिए हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत है एक एक ऐसे खाने की। अगर छोटा हो, जब गांव में ये बनता था ना, हम लोग ढूंढ के बड़ा सा लेते थे, लेकिन यहाँ पे लोगों को रहता है ना कि पूरा एक बड़ा सा नहीं खा पाते, यहाँ तो इतू तू सा मिलता है, तो कोई इस तरह से नहीं खा पाएगा, तो तोड़ दिए हैं। वरना इस तरह से मुझे मिले ढूंढा तो मैं तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। एक ढूंढा, ढूंढा का मतलब है कि पूरा एक चाहिए। तो ये देखिए, ये आज हो रही है हम लोगों की देसी पार्टी बोल सकते हैं, न्यू ईयर से पहले ही। तो
सब लोग एक साथ, बहुत कम ऐसा हो पाता है कि सब लोग एक साथ मिल के बैठ के बातें करें, तो ये एक बहाना भी था कि चलो गांव से ढूंढा आया है और मैं लड्डू भी बनाई थी तो हम कहे आइए सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं। और सब लोग ये था कि एक समय पे खाली थी, वरना रहता है ना कि कभी किसी के यहाँ कुछ काम है, कभी किसी के यहाँ कुछ काम है, कभी किसी को बाहर जाना है, कहीं जाना है, तो ये ऐसा समय था जब सब लोग खाली थे तो हम कहे आइए चलिए एक मतलब इसी बहाने सब लोग मिल के साथ में बातें करते हैं। तो बहुत देर तक हम लोग बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सब औरतें ना एक साथ बैठ के अपना टाइम स्पेंड करो तो जैसे भूल जाते हैं कि हम लोगों के मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कदार ऐसे मतलब होना भी चाहिए, तो इस तरह से तो होता रहता है। हाँ मेरे घर में बहुत कम होता है लेकिन मैं जाती हूँ इन लोगों के घर में रहता है तो, और मेरे घर में भी कभी कदार होता है तो फिर ये हो जाता है ना कि मैं वीडियो मतलब नहीं बनाती हूँ। और अभी तो ऐसा हो गया है कि आसपास के लोग तो लगभग जान गए हैं सब लोग कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इन लोगों को उतनी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कह लाइए। और ये कि याद भी हो जाएगा इस तरह की मस्ती। और ये लोग ढूंढा में देखिए बोले थे ना कि गांव के लोग खा लेते हैं, ये लोग ढूंढ ढूंढ के छोटा छोटा टुकड़ा, जबकि मैं खुद कई टुकड़े में करके ले आई थी उसमें से भी ढूंढ ढूंढ के छोटा छोटा टुकड़ा लेके खा रही थी। और एक तो मतलब दो टुकड़ा तीन टुकड़ा तो कोई नहीं खा पाया, कहे नहीं बहुत ज़्यादा मीठा है बहुत ज़्यादा। हम लोग जबकि लेते हैं तो पूरा एक ढूंढा खाते हैं। तो ये न्यू ईयर से पहले की है, बाकी आगे देखते हैं न्यू ईयर पे किस तरह की पार्टी होती है। कुछ अभी ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है कि क्या करना है, वो तो जैसा भी होगा आपके साथ आगे शेयर करेंगे। और ये तो बहुत थोड़ी देर की वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, बहुत देर तक हम लोग बैठे और बहुत देर तक बातें किए, बहुत अच्छा लगा। कभी कदार ही इस तरह से हो पाता है। तो खाने का तो ये सब बहाना था, देखिए ढूंढा तो यहाँ भी मिल जाता है, बस ये रहता है कि गांव का नहीं मिलता, जैसे मम्मी चूरा का भेजी हैं तो इस तरह का नहीं मिलता, वरना बस थोड़ा सा चेंज होके मिल तो जाता ही है। लेकिन एक साथ बैठ के बातें करने का भी एक हो जाता है ना कि इसी बहाने बैठ के बातें कर लेते हैं। तो कैसी लगी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग अभी चली गई और कपड़ा मेरा धुल ही रहा है, मशीन का काम करो ना तो मोजा गीला हो जाता है, एक मोजा गीला हो गया तो उसको धोने में डाल दिए हैं, ये वाला दूसरा पहने हैं, ये भी अभी लग रहा था कि गीला हो जाएगा, बचा के आए हैं। तो काफ़ी देर तक बैठे हम लोग, लेकिन वीडियो बस थोड़ा सा आप लोगों से मिलाने के लिए बस बना लिया। आपको किचन का हाल दिखाएं, तो देखिए इधर ओम अपने लिए बनाए प्लेन वाली मैगी, देव भी नहीं खाए थे दोनों भाई के लिए बना लिए वो प्लेन वाली मैगी। और इधर मेरा बर्तन, इधर किचन में पूरा बर्तन बर्तन फैला है, तो मैगी हो या फिर चाय नाश्ता करो ना तो बर्तन तो फैल ही जाता है। तो अभी बर्तन सारे धुल लेते हैं, इस तरह के बर्तन धुलने में समय नहीं लगते, बस देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। इतने सारे जूते धुले, हाथ दर्द करने लगा, ये सब तो मशीन से नहीं धुल सकता। तो सभी लोगों का जूता एक एक था, एक एक तो अभी पहन रहे हैं, एक अभी धुल लिए। 5:15 बज गए होंगे, क्योंकि 5 बजे बच्चे चले गए, 5:15 हो रहा होगा या 5:30 हो रहा होगा। अभी जाके मेरे सारे काम ख़त्म हुए, तो दूध भी आ गया, 5 बजे दूध आया, बच्चे जा रहे थे तो दूध भी आ गया, तो ये भी हो गया। इधर दिखाएं आपको, बर्तन पूरा धुल दिए, बर्तन का भी काम हो गया। और सबसे बड़ा काम, जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना उस दिन मतलब काम करते करते हालत ख़राब हो ही जाती है। तो इधर मशीन का काम, आंगन पूरा धुल दिए, मशीन भी अच्छे से आज क्लीन कर दिए इसको, क्योंकि बहुत देर तक बिना चप्पल के थे तो लगा कि, वैसे तो पता है मुझे कि पैर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, एक तो ऐसे ही दर्द रह रहा है, ऊपर से आज बहुत देर तक बिना जूता धुल रहे थे ना, तो फिर लग रहा था कि वो मोजा उतारे, फिर लगा चप्पल भी गीला हो गया तो फिर हटा दिए। अभी कपड़ा इधर रखा है, फैलाया नहीं है, तो अभी तो इसी पे डाल देंगे, और चादर उसमें मशीन में ही अभी है। तो अभी जाके मेरे सारे काम ख़त्म हुए और अभी जा रहे हैं बेडरूम में, बैठेंगे थोड़ी देर कंबल ओढ़ के, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो जिस दिन भी मशीन लगाते हैं मतलब काम कर करके हालत ख़राब हो जाती है, और ये बोलते हैं कि ठंडी में रोज़ भले ही मशीन लगा लिया करो, रोज़ कपड़ा धुल लिया करो, लेकिन मतलब 2-3 दिन पे नहीं धुला करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। कहते हैं हाँ रोज़ ही लगा लिया करेंगे, लेकिन फिर आलस हो जाता है, लगता है कि 1-2 दिन बीच कर दे। वैसे तो गर्मी में 1 सप्ताह पे लगाते हैं, क्योंकि डेली का कपड़ा रहता है ना कि हाथ से भी धुल लो, और ठंडी में रहता है कि कपड़ा भी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, तो 2-3 दिन पे इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना, जैसे लगता है कि कई दिनों तक कपड़ा नहीं धुले हैं। शाम हो ही गया है तो जोत जलाना होगा,
अब जोत जलाएंगे फिर आराम करेंगे। और जो ये समय दोनों बेर बराबर रहता है तो इसमें तो लेट भी नहीं सकते हैं, तो अभी तो बैठेंगे ही। लेकिन थक के मेरी हालत हो गई है ख़राब, बहुत ज़्यादा थक गया। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो का भी एंड करते हैं। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।